मम्मा इसमें इमोशनल सीन कट आउट है, खराब हो गया, ये हंसने वाला है, ये तो हमारा चैनल निकू सुमित ऑफिशियल। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली एक चैलेंज वीडियो, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी कि दी आप एक चैलेंज वीडियो शेयर करो हमारे साथ, अपनी फैमिली के साथ और जीजू के साथ स्पेशली। तो जीजू के साथ तो मैं नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि आप सबको पता है आपके जीजू के पास टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए मैं उनके साथ नहीं शेयर कर पा रही थी। तो आज मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ एक चैलेंज वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहो। और अगर आपने और सारी वीडियोस में मम्मी को नहीं देखा है तो मैं बता दूँ, ये मम्मी है मेरी और ये मेरा छोटा भाई है। और चलो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो मेरी सिस्टर पूछेगी, जिसने अभी मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ है जो वीडियो बना रही है वो क्वेश्चंस मेरी सिस्टर पूछेगी। और अगर मम्मी से पूछेंगे क्वेश्चंस और हम दोनों के हाथ में है ये आटा, ठीक है, ये है और ये है आटा है हम दोनों के हाथ में। क्या हो रहा है? सो फिर आप लोग आगे देखो कि हो क्या रहा है। मैं वैसे समझा दे रही हूँ कि होने क्या वाला है। मम्मी मुझसे, हम दोनों से, मम्मी से क्वेश्चन पूछेगी सिस्टर और फिर मम्मी उसका आंसर देंगी, क्योंकि वो हम दोनों का सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, तो जिसको मम्मी प्यार करती है उसका मुंह इसमें जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय करो हमारी इस वीडियो को, लास्ट तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछो। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पढ़ाकू कौन है? चलो चलो दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा समझदार कौन है? मम्मी मैं समझदार थी, मेरी शादी से मैं ज्यादा समझदार हूँ। और सबसे ज्यादा सोता कौन है? निकी। मैं मेकअप खराब हो गई तो इनकी मेकअप की गाइस मेरा मेकअप इग्नोर करना, मेरा मेकअप खराब हो चुका है। और मेकअप की बात पे अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? ये झूठ है, ये तो सुंदरता इसलिए मम्मी बिगाड़ रही है। और बात बात पे सबसे ज्यादा रोता कौन है? निकी। अभी दीदी डेमो देगी थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बचपन में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था? मम्मी दुविधा में। सारे क्वेश्चन मेरे खिलाफ ही लिखे गए हैं, ये क्वेश्चन जिसने भी लिखा उसने मेरे साथ बहुत बहुत धोखा किया है, सारे क्वेश्चन मेरे लिए ही है। और वैसे भी पहला जो बच्चा होता है, बचपन में ये परेशान करती थी, रात में सोती नहीं थी और बहुत बहुत परेशान करती थी मुझे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन सबसे ज्यादा परेशान करता है? वो तो बचपन की बात हो गई, अब सबसे बंदर बच्चा हो गया है ये। बंदर क्या हो? जो मेरा बात नहीं मानता, पढ़ता कम है। अभी तो पढ़ाकू सबसे ज्यादा ही है। मम्मी जैसे अब की बात है, पढ़ाई कैमरा बंद नहीं होगा, ये सबको पता चलना चाहिए। पढ़ाई नहीं करता अब, लड़की लड़कियों को ज्यादा देखता। मम्मी ऐसे शिकायत करती है सामने, वो प्रिंसिपल नहीं बैठे होते हैं, मेरा बेटा ऐसे करता है, मेरा बेटा। ये इसलिए कर रही हूँ ना कि ये सुमित जी भी देखेंगे, जो मैं सब नहीं कह पाती हूँ उनसे, वो वीडियो में देखेंगे और तेरा सारा पोल खुल जाएगा। लड़कियों का देखता हूँ मैं, चलो चलो। उसके मन में चल रहा होगा मम्मी की लड़कियां मेरे को देखती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बात तो इन दोनों के मन में होगी। गए दोनों के दोनों झूठ बोलते हैं मेरे से झूठ, पर मुझसे ज्यादा ये झूठ बोलता है, मैं कम झूठ मेरे से दोनों बोलते हैं।
ये इसको कुछ होगा तो नहीं बताएगी और ये सबसे पेपर में नहीं बताता सबसे झूठ वो बोलती है कैमरा मैन झूठ कैमरा मैन बोलती है हमारी छोटी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पापा से डांट कौन खाता है? रियल क्वेश्चन रियल आंसर। झूठ बोलने का कुछ सबसे ज्यादा पापा से पिटता कौन है? प्यार कौन कर किससे करते हैं? हाँ बता दो, चलो आप ये भी बताइए। तुम अपने से करो। मुझसे करते हैं, इसके लिए तुमने खुशी खुशी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बोलता कौन है? को भी पता है दुनिया को पता है उसकी, तभी तो आज यूट्यूबर हूँ, है ना? सही बात है ना? कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है ये बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पैसे कौन खर्च करता है? बिना कमाए हुए पैसा बहुत ज्यादा पता नहीं कमाएगा तो क्या कर लेगा। कमा ले लोग सोचेंगे कि ये वेला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आलसी कौन है? दोनों सबसे मुंह दिखा दे जूम कर। अगर मम्मी ये दोनों ही आलसी है तो एक्टिव कौन है ये भी बता दो। एक्टिव जीजू। ये क्या, ये तो आलसी थी। जीजू बोलो ना, जीजू को बोलो। जीजू कहाँ से आ गए? जीजू कहाँ से? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके दोनों बच्चों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है? ये मैं हूँ, टैलेंट मेरे में कूट कूट के भरा हुआ है। टैलेंटेड है वे, बहुत टैलेंटेड है। मुझे खाली बुरे वाले मिल रहे हैं। बेचारे का आटा थाली भरी हुई है पूरी। चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सभी के दिल के करीब है, ठंड में कौन नहीं नहाता? दोनों नहीं नहाते। मैं नहाती हूं। उसने तो एक्सेप्ट कर लिया है भैया ने। नहाते दोनों नहीं है। मैं नहाती हूँ, एक दिन पहले गैप चला जाता है बट नहाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा स्टाइल कौन मारता है? कौन मारता है? झूठ। दोनों मतलब कौन ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है उसको स्टाइल कहते हैं। तो मैं ही पहनती हूँ अच्छे कपड़े, तो मैं ही पहनती हूँ सबसे ज्यादा। स्टाइल तो ज्यादा यही मारती है बचपन से। तुम मिली हुई हो मुझे पता है। ये मम्मी ने कहा आता नहीं तो स्टाइल कहां से मारी? नाना भी तो पड़ता है नहीं। सही बात है, ये छोटे से ही शीशे के पास ज्यादा खड़ी होती थी, एक्टिंग में चलती थी, मॉडलिंग करती थी, अपने फ्री टाइम को उसी में कंज्यूम करती थी। सच में एक्टिंग करने लगी तो बचपन से ज्यादा ही स्टाइल निक्कू सुमित ऑफिशियल। हाँ, यही मारती है। यहाँ पे भी सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, तो मैं आप सबको बता दूं, ये मेरी फैमिली है, इन सबसे पूछो कि मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं रियल लाइफ में ही मैं ऐसी ही हूँ। शादी हो गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं मैच्योर वाला बिहेवियर रखूं या मैं वैसा बिहेव करूं, तो मेरे साथ मेरे से नहीं हो पाता है। मैं ऐसे ही हूँ रियल लाइफ में, इसीलिए आप लोग हमेशा मुझे ओवर एक्टिंग करते हुए देखते हो और आगे भी मुझे लग रहा है ऐसे ही देखते रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा घुमक्कड़ कौन है? घूमता रहता है, गेड़ियों मारता है। मेरी तरफ क्या देख रहा हूँ? अच्छा तू ही घुमक्कड़ है। मैं कहाँ घुमक्कड़ हूँ? मैं कहाँ घूमा, मैं तो घर में बैठा हूँ। कल भी सुबह से आज ही घर में बैठा। सबसे ज्यादा घूमता तो यही है। कहाँ गया? चाहती ये भी है तो ये दोनों ही है। इस चक्कर में घूमता और कर्म करता है, ये चाहती है, घूमती नहीं है। पर घूमती नहीं हूँ, दिन भर घर में बैठा रहता हूँ। अब
आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कौन निक्की कौन विक्की आटे का है। तो पहचान बता दो मैं निक्की हूँ, ये विक्की है, हम दोनों गोरे हो गए ठीक है। मम्मी ने हमें क्रीम नहीं लगाया था बचपन में गोरा करने के लिए, इसलिए हम आटे लगा के गोरे हो गए, आटे का यूज करके। आप भी करें, जिसको ज्यादा लगा वो जीतेगा ना, आटे का एग्जाम ज्यादा लगा वो जीतेगा। क्यों क्या जितना ज्यादा क्वेश्चन में सवाल मिल रहा है तो मैंने ज्यादा लगा लिया। साफ इधर मतलब जिसकी ज्यादा बेइज्जती हुई वो जीतेगा। अच्छे क्वेश्चन में चला आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बाहर के खाने को कौन पसंद करता है, फास्ट फूड स्लो फूड को पसंद नहीं? मैं नहीं करती, यही करती है ये बचपन से लेके आज तक मुझे पर, अब तक तो हमें परेशान करी, अपनी सासू माँ का परेशान करती है, मैं तो बहुत परिवार को करती है क्योंकि इनको बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से बचपन से लेके आज तक मैं परेशान रही, अब ससुराल वाले परेशान रहते हैं। तो अब दीदी अपने फेवरेट फास्ट फूड का नाम बता दे इस क्वेश्चन। चिली पोटैटो, स्प्रिंग रोल, मोमोज मेरा फेवरेट है। इससे एक बात साबित हो गई, चाइनीज फूड चाइनीज फूड चाइनीज फूड। मैं तो बाहर खाता ही नहीं, मेरी हेल्थ कॉन्शियस। ओह ओह, झूठ लाफ फॉर इट, झूठ लाफ फॉर इट, झूठ बोलते हैं, लाफ फॉर इट होता है। खाता तो ये भी है पर ये ज्यादा खाती है। आजकल वो जिम का दीवाने हो गए ना इसीलिए। सो गाइज अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि जिसका बहुत ही म्यूचुअल आंसर आएगा अगर आएगा तो, सबसे ज्यादा मम्मी किसे प्यार करती हैं? मम्मी मेरे को भी इन्वॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन में। मुझे रानी तो, रानी को तो बिल्कुल सबसे ज्यादा तो मैं चारों से करती हूँ। चारों? ओह माय गॉड जीजू। अच्छा, पर फिलहाल मैं दोनों से ही करती हूँ क्योंकि फिलहाल वीडियो में ये दोनों इन्वॉल्व है, जीजू और मेरा पता के बाद यही होता है। ये हंसने वाला है, ये तो हमारा ब्लॉग ही खराब हो गया। ये हंसने वाला है ब्लॉग है, तुम्हारी पिंदी गिर गई है मम्मी की, इसी में मम्मी इमोशनल हो गई है, मम्मी को अपनी बेटी की याद आ गई है। तो गाइस कमेंट में आप बताएं कि इस तरह इमोशनल होने से कुछ नहीं होने वाला है, ये हंसने वाली वीडियो भाई, मम्मी की पिंदी बेटियां आएंगी जाएंगी। चलो चलो, सो हो गया हमारा चैलेंज खत्म, जीता तो मैं ही हूं, कंप्लीटेड। सो फाइनली हमारा चैलेंज हो गया खत्म, और जैसे कि लास्ट एक चैलेंज देखा होगा आपने, आएगा इससे पहले हो सकता है वरना इसके बाद आए, तो जैसे उस चैलेंज में मैं जीती थी, इस चैलेंज में भी मैं ही जीती हूँ, आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो मैं जीती हूँ, दिखाइए आप भी। मेरा ज्यादा है। सो हमारा चैलेंज कम्प्लीट हो गया, और आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके कमेंट सेक्शन में, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस इसमें हम सबकी मेहनत है तो लाइक ढेर सारी देना, बहुत भर भर के लाइक्स देना। ये वीडियो हम शाम को बना रहे हैं तो हमको इसके बाद नहाना भी पड़ेगा ठंड में, कृपया करके प्लीज लाइक करना, अब हमें नहाना पड़ेगा जाके, सब्सक्राइब करें। सो अभी भैया बोलेंगे, बोलिए लाइक बोला तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? लाइक नहीं हो गया रिकॉर्ड गया। इतनी हम ये वीडियो शाम को शूट कर रहे हैं तो ये इतनी हालत के बाद हमें नहाना भी पड़ेगा अभी इतनी ठंड में, तो प्लीज इस मेहनत के लिए इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इनका नया जो भी नया है चैनल। बाय बाय, कैमरा नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा बाय, बबी बोल दो बाय।